हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है। हियर द की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ है, हमें पता होना चाहिए इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन हमारा एक्स साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डीएक्स तो यहाँ हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स की जगह पर हो जाएगा कितना, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डीएक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर है पाई माइनस एक्स। पाई इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा ये, और साइन पाई माइनस एक्स जो होता है साइन एक्स के इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। वन प्लस कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। यहां तक हम आ गए, आई इज इक्वल टू यहाँ हम एक्स की साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, फिर एक्स से 0 टू पाई तो हो जाएगा कितना, पाई साइन एक्स डी एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स वन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी इसको अगर हम गौर से देखें, ये जो क्वांटिटी बन गई है क्या है, ये आई जो हम लेके चल रहे थे वही है। तो आई इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स dx अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आई। ये आई वहां जाके 2i बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू दिस। अभी एक मिनट रुकें, यहाँ अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को t सपोज कर लेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी या यू सपोज कर लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी यू। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो यू की वैल्यू कितनी होगी, देखें यू इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 डिग्री कितना होता है हमारा 1। वैसे ही जब एक्स की वैल्यू पाई होगी, दिस इंप्लाइज दैट यू इज इक्वल टू कॉस पाई, कॉस पाई कितना हो जाएगा माइनस वन। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू पाई। ये देखें साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस डी यू।
अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस यू स्क्वायर और लिमिट क्या बन जाएगी, 0 पे 1 है, पाई पे माइनस 1 है, 1 से माइनस 1, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2, 1 से माइनस 1, डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। अब हमें पता है इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टेन टेन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 जो हो जाएगा टेन इनवर्स यू के इक्वल। लिमिट कहाँ से चल रही है, 1 से माइनस 1 के इक्वल। तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, पहले हम रखेंगे कितना माइनस 1 रखेंगे यू की जगह पे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस 1, टेन इनवर्स अब रखेंगे 1। आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, टेन इनवर्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस पाई बाई 4 के। माइनस टेन इनवर्स 1 किसके होता है, पाई बाई 4 के, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। इधर सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, ये भी माइनस पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 के इक्वल। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।